Hello students, welcome to Gyan Jyoti Public School. Today I am going to teach about exercise 13 A, question number 33. 1 by sec square theta minus cos square theta plus 1 by cosec square theta minus sin square theta into sin square theta into cos square theta is equal to 1 minus sin square theta into cos square theta by 2 plus sin square theta into cos square theta. मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपको राइट हैंड साइड लाना है. तो किस इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सब लोग ध्यान दीजिए. थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है. लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले इसको क्या करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा को कॉस में बदल देते हैं और यहाँ कॉस को साइन में बदल देते हैं. तो वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई यहाँ पर कॉसेक को हम बदल देते हैं साइन स्क्वायर थीटा में, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया. अब नीचे क्या करें, एलसीएम हम निकाल देते हैं. नीचे यदि एलसीएम हम निकालते हैं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई यहाँ भी नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब इसको हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, यहाँ साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर यहाँ कॉस स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई. अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर यदि कर देते हैं तो ही मान में कोई अंतर नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम तोड़ लेते हैं ए प्लस बी अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार कर देते हैं माइनस, माने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर हमने तोड़ दिया प्लस. अब सेम वैसा ही यहाँ करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हमारा बच गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला पर आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं. तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेम ऐसा ही यहाँ करते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा ये हमारा कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. अब दोनों का एलसीएम हम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा. अब देखिए यहाँ पर यदि हम डिवाइड करते हैं, इसको हम पहले लिख लेते हैं, यदि इस पूरे टर्म से हम यहाँ डिवाइड करते हैं तो हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू इतना. अब कॉस स्क्वायर से यहाँ पर यदि कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस पावर 4 थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा. उसी तरीके से इस पूरे टर्म से यदि डिवाइड करेंगे तो हमारा ये पूरा टर्म बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पावर 4 थीटा, यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं. अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो कॉस पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा इंटू साइन पावर सॉरी प्लस साइन पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 इंटू 1 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर से करते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम मल्टीप्लाई कर दिए. ठीक है, इंटू इतना साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. अब देखिए साइन पावर 4 और कॉस पावर 4 को एक साथ कर देते हैं और इस दोनों टर्म को एक साथ कर देते हैं. आगे चलते हैं,
ठीक है। अब आगे देखिए इक्वल, तो इसको हम एक साथ करते हैं, साइन पावर फोर थीटा प्लस कॉस पावर फोर थीटा, इसको एक साथ ब्रैकेट में कर देते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस पावर फोर थीटा प्लस साइन पावर फोर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ ब्रैकेट में वन प्लस, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा ध्यान देते आप लोग चलिए, चूंकि क्वेश्चन लंबा है। अब यहाँ हम कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर, तो इसको हम कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हम कर, और यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्या कॉमन निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हमारे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, वन और वन टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यह हमारा बच गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आप तोड़िए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी, तो ए हमारा है साइन स्क्वायर, बी है कॉस स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस अब इसका मान वन हो जाएगा, तो वन इंटू इतना, तो ये हमारा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ पर आइए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम यहाँ पर देख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है, कट जाएगा, ठीक है, इसका मान हमारा वन हो जाएगा, तो वन स्क्वायर अर्थात वन माइनस, ये घटा दीजिए यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटा, ये हमारे पास गया टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमारा प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, तो क्वेश्चन नंबर 34 में आप देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन ए माइनस साइन बी बटा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी बटा साइन ए प्लस साइन बी, इसको हल करके आपको जीरो लाना है, बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम आप निकाल लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो साइन ए प्लस साइन बी, ये मल्टीप्लाई हो गया, आप डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो साइन ए प्लस साइन बी बचेगा, यहाँ साइन ए माइनस साइन बी है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले पर आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे तो साइन ए प्लस साइन बी कट जाएगा, बचेगा कॉस ए प्लस कॉस बी, ऊपर में कॉस ए माइनस कॉस बी, ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अब ए और ए को एक साथ कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर को एक साथ कर दीजिए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ कर देते हैं, माइनस बी और बी को एक साथ कर देते हैं, तो माइनस यदि हम ब्रैकेट से हटाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा बटा कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। अब देखिए इसका फॉर्मूला वन, इसका ही फॉर्मूला वन, तो वन माइनस वन, वन माइनस वन, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इक्वल, तो वन माइनस वन हमारा हो गया, और नीचे में हमारा क्या है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी, अब वन माइनस वन इजकल टू जीरो, तो कॉस ए प्लस कॉस बी
साइन ए प्लस साइन बी, अब पूरा पार्ट आपका जीरो हो जाएगा। हमें क्या प्रूव करना था, जीरो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, तो टेन ए प्लस टेन बी बटा कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल टेन ए प्लस इंटू टेन बी, ये आपका है। अब इसको क्या करेंगे, टेन ए इंटू टेन बी हमको लाना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से आप प्रूव कर लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो टेन ए प्लस टेन बी बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। तो टेन देखिए यहाँ पर टेन लाना है, कॉट लाना नहीं है, तो आप कॉट को सिर्फ चेंज कीजिए। तो हम कॉट को चेंज करते हैं बटा कितना, वन बाई टेन ए प्लस वन बाई टेन बी। अब इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए, तो टेन ए प्लस टेन बी बटा इसका एलसीएम निकालिए, तो हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी। जब डिवाइड करेंगे तो टेन बी बचेगा यहाँ, और यहाँ बचेगा टेन ए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टेन ए प्लस टेन बी, और जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये चला जाएगा ऊपर, टेन ए इंटू टेन बी बटा यहाँ हो जाएगा टेन बी प्लस टेन ए। तो प्लस है तो कोई अंतर नहीं है, ये आपका पूरा टर्म कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा टेन ए इंटू टेन बी। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन 36 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, तो 36 आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि सो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। तो 36 का फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वन। आपको ये दिखाना है कि इनमें से नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी, माने दोनों, सबसे पहले हमको ये प्रूफ कर देना है कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। यदि नहीं है तो कोई नहीं है, नन हो जाएगा। तो सबसे पहले इफ आप थीटा का कोई भी मान आप मान सकते हैं, ठीक है। तो थीटा का यदि हम 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान रूट 3 बाई 2 होता है, यहाँ भी रूट 3 बाई 2। अब ये स्क्वायर है तो 3 बाई 4 हो गया, ये हो जाएगा रूट 3 बाई 2। इसका एलसीएम आप निकाल दीजिए, तो 3 ये हो जाएगा 2 रूट, ये हमारा मान आ गया। जबकि हमें कितना लाना था, 1। तो हम यहाँ दिखा देंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, अर्थात कोई ये आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, यही आपको दिखाना है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आप देखिए, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस टू साइन पावर क्यू थीटा इक्वल टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। मतलब इतना का प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आपको लाना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा दिया हुआ है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा। अब दोनों में देखिए साइन कॉमन है, तो हम साइन पहले कॉमन निकाल लेते हैं, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर टू साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, तो साइन थीटा वन माइनस टू, इसको कर देते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा, अब देखिए यहाँ पर वन माइनस ये कितना हो जाएगा, टू माइनस माइनस प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा। तो यह हमारा निकल गया साइन थीटा, यहाँ बच गया
अब देखिए वन माइनस टू है तो इसको घटाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा, तो इसको हम पहले कर देते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए साइन थीटा इंटू अब टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन है, अब वन को हम यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पर देखिए साइन थीटा है, यदि हम साइन को कोशिश करें कि टेन में कन्वर्ट हो, ठीक है, या इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, वन के जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को वहां से हम पहले यहां लिखते हैं, यह हमारा है साइन थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन है, ठीक है। और यहां पर हम ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, अब राइट हैंड साइड को थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, टू कॉस थीटा राइट हैंड साइड में हमारा है टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा है टेन थीटा। यहाँ पर देखिए यहाँ भी कॉस कॉमन है तो हमारा हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। ये टेन का फॉर्मूला, ये कॉस और कॉस कट जाएगा तो हमारा क्या बचा, साइन थीटा इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखिए यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा, साइन थीटा इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ भी बच गया साइन थीटा इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। सो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। अब अगला लास्ट क्वेश्चन 38, इफ वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल थ्री साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दिया हुआ है, मतलब वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल थ्री साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है टेन थीटा इक्वल वन या वन बाई टू प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए टेन थीटा के रूप में लाना है, तो यदि साइन बाई कॉस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कर दें तो हमारा टेन स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात दोनों तरफ यदि हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लें तो टेन स्क्वायर थीटा हम ला सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहां पर आप डिवाइड कर दीजिए बाई कॉस स्क्वायर थीटा थ्री साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइड कर दिए, दोनों के मान में कोई अंतर नहीं आएगा, पुनः कट कर हमारा उतना ही आ जाएगा। अब इसको अलग अलग करते हैं तो वन बाई कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर देखिए एक कॉस को कटा देते हैं तो थ्री टेन थीटा बचेगा, साइन बाई कॉस बच गया, या यहाँ पर देखिए वन बाई कॉस स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल थ्री टेन थीटा, सेक स्क्वायर को भी हम कन्वर्ट करते हैं टेन स्क्वायर में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल थ्री टेन थीटा। अब सबको एक तरफ करते हैं तो कितना हो जाएगा, सबको एक तरफ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टू टेन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाते हैं थ्री टेन थीटा प्लस वन इक्वल जीरो। अब इसको फैक्टर के रूप में हम तोड़ते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं इसका, तो फैक्टर जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमारा फैक्टर हो गया प्लस वन इक्वल टू जीरो, या दोनों से कॉमन निकाल लीजिए, अब टू टेन थीटा से कॉमन निकालिएगा तो यहाँ बचेगा टेन थीटा माइनस वन, दोनों में से यहाँ माइनस वन कॉमन निकाल लीजिए तो टेन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, देखिए दोनों सेम आ गया तो टेन थीटा माइनस वन कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा टू टेन थीटा माइनस वन इक्वल जीरो। अब चूंकि
टेन थीटा माइनस वन इजकल टू जीरो, इसलिए टेन थीटा इजकल टू वन। इफ टू टेन थीटा माइनस वन इजकल टू जीरो, तो टू टेन थीटा इक्वल वन, तो टेन थीटा इक्वल वन बाई टू, इसलिए हम प्रूफ कर दिए यहाँ पर टेन थीटा इक्वल वन या वन बाई टू, ये हम यहाँ पर दिखा दिए। ये आपका 13A जो है ये समाप्त होता है। अगले वीडियो हम लोग 13B पढ़ेंगे। थैंक यू।